पांडु सेना की व्यूह रचना को देखा जब दुर्योधन ने, गुरु द्रोण निकट फिर जा कर के यो वचन कहे दुर्योधन ने, देखो गुरु पांडव पुत्रों की यह खड़ी हुई पूरी सेना है, शिष्य आपका दृष्टद्युम्न द्रौपदी सुत की यह व्यूह रचना। भीमार्जुन जैसे शूरवीर वे धनुधारी इस रण में है, है महारथी द्रौपद विराट वे युयुधान सब संग में है। दृष्टि के तुवे चेकितान काशीपति जैसे वीर्यवान, नर श्रेष्ठ शेव्य वे कुंती भोज पुरजित जैसे हैं कीर्तिमान। कौन कौन है? धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान अर्थात महाबलशाली। काशीराजश्च के मतलब है काश और काशीराज। वीर्यवान है उत्तमी जावे पराक्रमी है युधमन्यु, द्रौपदी पुत्र सब महारथी सौभद्र पुत्र है अभिमन्यु। युधामनुष्य अर्थात युधामन्यु और विक्रांत जो कि महान पराक्रमी है उत्तम ओजा। जो है प्रधान अपने पक्षी ए श्रेष्ठ ब्राह्मण सेना में, बतलाता हूँ वो नाम सभी जो सेना नायक सेना में। द्विजातीय संस्कार का अर्थ होता है पिता अपने संस्कार, अपने वर्ण धर्म जो आगे चल के इसमें बताए जाएंगे, उनका पूरा ज्ञान एक मंत्र के जरिए और कांधे पे डाल दी जाती है यज्ञोपवीत, उसके जरिए उसमें आरोपित करता है। रण विजयी श्री कृपाचार्य और आप श्री भीष्म कर्ण, अश्वत्थामा सुत सोमदत्त भूरी श्रुवावे विकर्ण। फिर और बहुत से योद्धा भी अस्त्रों शस्त्रों से युक्त खड़े, जो ममहित प्राण निछावर करने उत्सुक रण में सभी खड़े। भीष्म पितामह से रक्षित सब तरह अजय है यह सेना, विपरीत सैन्य जो भीष्म लिए हैं सुगम जीतने वह सेना। अपर्याप्तम का मतलब होता है जो अपरिमेय है, यानी जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता। इसलिए आप चाहो दिस से सब बस भीष्म की रक्षा करिएगा, अपने निश्चित स्थानों पर निर्भय होकर के लड़िएगा। अब उनका हर्ष बढ़ाने को कुरुरद्ध पितामह तेजस्वी, गर्जन की ना निज शंख बजा सम सिंह नाद करियो जस्वी। गोमुख मृदंग वे शंख भेरी फिर एक साथ सब बजने लगे, उनका यह शब्द भयंकर है जब घोर नाद वे करने लगे। माधव अर्जुन का उत्तम रथ शोभित है श्वेत रंग अश्वों से, रथ में स्थित दोनों ने ही फिर नाद किया निज संतों से। पांच जन्य श्री कृष्ण लिए वे देव दत्त अर्जुन का है, पौंड्र शंख को भी मिलिए इन सब का नाद अनोखा है। अनंत विजय से धर्मराज सुघोष नकुल के हाथ में है, मणिपुष्पक को सहदेव लिए इन सब का नाद साथ में है। श्रेष्ठ धनुषधारी काशीपति और शिखंडी बलशाली, सात्यकी अजय वे दृष्टद्युम्न राजा विराट प्रतिभाशाली। राजा द्रौपदी द्रौपदी पुत्र अभिमन्यु सुत सौभद्रा का, हे राजन नाद
निज संख नाद से वीरों के भूनब सब ही गुंजाय उठे, धृतराष्ट्र सुतों के मन मानस भयपूरित हो कंपाय उठे। धृतराष्ट्र पुत्र है पूर्ण व्यथित, देखा कपि ध्वज अर्जुन ने जब, फिर शस्त्र प्रहर मुद्रा प्रविष्ट हो धनुष उठाया अर्जुन ने। हे राजन फिर पांडव सुत ने यो वचन कहे मधुसूदन को, दोनों सेना के मध्य ले चले हे अच्युत मेरे रथ को। किस किस की चाहत युद्ध की है उस चाहत को जानूंगा मैं, उन सबको ही पहचान सकूं जिन जिन को भी मारूंगा मैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन के हित जो नृपसेना में आए हैं, देखूं मैं उनको भली तरह जो रण करने को आए हैं। राजन अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को बढ़ा दिया, दोनों सेना के मध्य कृष्ण ने उत्तम रथ को खड़ा किया। प्रमुख रूप से भीष्म द्रोण वे सन्मुख सब राजाओं के, मधुसूदन बोले पार्थ देख ले झुंड कौरवों के दल के। पितृ बंधु गुरु भ्रात पुत्र वे पिता महापौत्र दी है, संगी साथी सुसरे मामा दो और सभी मित्रा दी है। यो देख सभी को अपने ही मन द्रवित हुआ हृदय डोला, अतिशोक भाव से कुंती सुत श्री कृष्ण के सम्मुख यो बोला। इच्छुक रण के जो खड़े सब अपने तात, देख इन्हें कृष्ण अब मुख भी सूखा जात, रोमांचित मैं हो रहा शिथिल हो यह शरीर कंपित हुआ नहीं दे रहा साथ, नहीं दे रहा।